चाची माँ आप लोग बैठिए, मैं जरा फ्रेश होता हूँ। हेलो सुशील। जी भाई साहब, इधर आओ। जी जी भाई साहब, आज तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। हमने ऐसा क्या कर दिया भाई साहब? शास्त्री जी का अपमान किया है तुमने। जानते हो वृंदावन में उनकी कितनी इज्जत है? अरे भाई साहब, हमने तो एक ठोस सवाल भर पूछा था उनसे। अब ये सवाल पूछने में अगर उनका अपमान हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? और तुम कर ही क्या सकते हो शशि? बड़े शर्म की बात है कि तुमने हर व्यक्ति को पैसे से तोलना सिखा है। भाई साहब, आप तो हमें यूं ही डांटे चले जा रहे हैं। चाची माँ, बताइए भाई साहब को। अरे भाई, ऐसे मौकों पर समधी के साथ तो हंसी ठिठोली हर कोई करता है ना, कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, हर बात की हंसी ठिठोली नहीं की जाती है सुशील। अगर हमारे एक शब्द बोलने से आप सबको इतना बुरा लगा है तो हम यहां से चले जाते हैं। हम तो कहते ना चाची माँ, हमारे तो बस बंसी बजैया, हम चाहते हैं चाची। सुशील, सुशील रुक जा बेटा, रुक जा। सुशील बेटा, नाराज मत हो। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? शास्त्री जी ने हमारे परिवार को इस काबिल समझा कि वो हमें अपनी लड़की दे। वो हमें हमारी छोटी बहू दे रहे हैं बेटा। ऐसा लगता है जैसे ये कंगन तो तुम्हारे लिए बना। अरे जॉन, लड़की का मेहंदी का रंग गहरा आवे है, उसको उसका पति खूब प्यार करे। तो बस मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओगी। क्या कर रही है तू? जी वो खाना। वो को मालूम है, उसे कुछ छुपा रही है तू। हाथ दिखा, हाथ दिखा। पगड़ा गई है क्या? दिखा, खोल। हाथ छोड़।
दिखा। पकड़ा गई है का? हाथ दिखा। नाटक ना करियो, हाथ दिखो। अरे दिखा हाथ ना, दिखा ना। जला हम बताती हैं, ये विशाखा का घर जलाई की पूरी कोशिश में हाथ जला है। क्या कह रही है अम्मा? आंख खोल कर देख बिटवा, आंख खोल कर देख। विशाखा के शगुन की मेहंदी ये मनहूस अपने हाथों में रचाई बैठी। अरे नहीं अम्मा जी, उस दिन सब लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी, तब इसने भी लगवा दी होगी, है ना बेटा? मोको, मोको मूर्ख समझती का? ये हुई शगुन की मेहंदी है। बता रही, ये वही मेहंदी है ना? हाँ अम्मा। कटोरी गिर रही थी, मैं कटोरी संभाल रही थी, तब थोड़ी सी मेहंदी हाथ में लग गई। देखो देखो, हम कह रही थी ना, ये वही दिन की मेहंदी है। फूल से गिर गई थी हाथ पर अम्मा, बिना बात व्याकुल हो रही। बिना बात बावला हो गया क्या बिटवा? अरे जो मेहंदी विशाखा के हाथों में लगनी थी, वो मेहंदी ई मनहूस अपने हाथों में लगाई बैठी है। अनर्थ हो गया अनर्थ। ई करम जल्दी तो विशाखा का सुख उजाड़ करी बैठेगी। अपोला पाला है तूने आस्तीन में, हम सबको डस कर ही रहेगी। ये कैसी बातें कर रही है अम्मा? सही कह रही है, ये छोरी की छाया भी विशाखा पर पड़ी तो विशाखा की डोली बिना विकन ना निकल पाएगी। ये छोरी को विशाखा और इस शादी से दूर रखना होगा। अभी इसी वक्त निकाल बाहर कर इसे, निकाल बाहर कर। आप क्रोध में हैं अम्मा, हम कल बात करें। कल कोई बात ना होगी, आज ही फैसला होगा। विशाखा की शादी में या तो हम शामिल होंगी या ये छोरी। फैसला तुमको करना है अभी।